बाबा ये राम की आत्मा पहले नंबर का ब्राह्मण बनती है, फिर देवता बनती है, तो बीसीएस पहले नंबर कैसे बन जाती है? पहले नंबर में बीसीएस और सूत्र पहले नंबर में कैसे कहेंगे? नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया भी मेरी है, ये किसके लिए बोला? मुरली में जो वाक्य आया है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हाँ, बाप के लिए, बाप के लिए। बाप में सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, वो देवताओं का ही बाप नहीं है, किसका बाप है? असुरों का भी बाप है। तो बाबा कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे इब्राहिम की आत्मा जो है वो पहला विचार में जाती है, तो वो विचार में ले जाती है क्या? विचार में जाना ज्यादा खराब है या सिर्फ विकार में जाना ज्यादा खराब है? विचार में जाना वो रावण राज्य लाता है। अनेकों की मत पर चलना ये रावण राज्य बनाता है। और बाबा जी से ये 36 मेवे का गायन है स्वर्ग में, स्वर्ग में 36 मेवे का गायन है, इस पुरानी दुनिया के बच्चों से भी कुछ चुनाव होगा कि वो सब नए तरह के बीज होंगे? नई दुनिया में सब नया होगा, पुरानी दुनिया की कोई भी चीज वहाँ नहीं जाएगी। और एक प्रश्न और है बाबा, ये जो मनुष्य जो भी जानवर है, जानवरों में तो ये शक्ति बहुत कम है, तो उसमें भी जागने की शक्ति है, तो मनुष्य के साथ जो जर्दा अत्याचार कर रहा है, तो वो जानवरों की आत्मा मतलब किस हिसाब से उनका हिसाब किताब पूरा करेगी? जानवर दुख देने के निमित्त नहीं बन जाते हैं क्या? बनते तो है बाबा, मतलब जो छोटे जानवर है, छोटे हो या बड़े हो, छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा मच्छर होता है, काट लेता है, मलेरिया बुखार हो जाता है, इतनी तकलीफ होती है। इसलिए जैन धर्म में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जीव जंतुओं की भी हत्या नहीं करनी है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा है कि नहीं? आत्मा तो उनमें भी है, और वो है आत्माओं का बाप। बाबा जी राम सीताराम और शंकर पार्वती में ये शंकर जी का नाम पहले क्यों आता है? जैसे लक्ष्मी नारायण आएगा, सीताराम आ गया। सीताराम जो गायन है वो त्रेता का गायन है भक्ति मार्ग में, या ऊंचे से ऊंचे युग का गायन है? संगम का गायन वो अधूरे पुरुषार्थ का गायन है या संपूर्ण स्टेज का गायन है? राम सीता अधूरा, अधूरे पुरुषार्थ का गायन है। अधूरे पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी सतयुग में मिलती है या त्रेता में मिलती है? त्रेता में मिलती है। जो संपन्न पुरुषार्थ है राम वाली आत्मा का, उस संपन्न पुरुषार्थ से सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है, तो उसे भगवान कहा जाता है। सीता देवी है या भगवान है? देवी है। तो देवियों को देवताओं से आगे रखना होता है, क्योंकि देवताओं की विजय तब ही होती है जब देवियां सहयोगी बनती हैं। नहीं तो जो भी देवताएं थे, नर रूप में थे, वो सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले थे।
देवियों ने ही हिम्मत की है तो उनकी हिम्मत से वो देवता बन गए। इसलिए शंकर का नाम पहले, क्योंकि उसमें बाप भगवान प्रवेश है। सीता में बाप भगवान तो प्रवेश नहीं है, लेकिन भगवान का जो आर्डर है फर्स्ट पवित्र बनो, उसको सीता ने फॉलो किया। तो भगवान का जो काम करता है उसका नाम आगे, और जिसने वो काम बाद में किया उसका नाम पीछे। सीता का नाम आगे, राम का नाम बाद में, लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। जो भी देवताएं हैं उनमें स्त्री को आगे कर दिया है, लेकिन जहां भगवान की बात आती है, भगवान भगवती, वहां शंकर का नाम आगे होता है और पार्वती का नाम पीछे हो जाता है। और कई बार गौरी शंकर है ना, गौरी शंकर, हाँ, उसमें गौरी का नाम पहले है, हाँ, वो है गौरी। जो गौरी है वो गौरी नाम पहले क्यों पड़ा? यहाँ गोरे और काले बनने की बात आती है तो कौन है पहले? गौरी तो 84 जन्म की गौरी है कि लास्ट जन्म में भी गौरी है या काली है? लास्ट जन्म में भी एक आत्मा का ये पार्ट है कि वो व्यभिचारी कर्म इंद्रियों से नहीं बनती। इसलिए गौरी का नाम पवित्रता के आधार पर आगे। शंकर को तो वैसे भी दिखाया जाता है विष पीते हैं, पंचमुखी हनुमान, कोई हनुमान के पुजारी, कोई गणेश के पुजारी, कोई महाकाली के पुजारी, जो जिसके पुजारी है उस पूज्य को पूज्य मान करके उन्होंने भगवान समझ लिया। तो भगवान के जो भी पार्ट हैं, जो भी भगवान की सीरत है, वो सीरत उन्होंने अपने इष्टदेव को सौंप दी। तो जैसे ब्रह्मा को 5 मुख दिखाते हैं, उन्होंने गणेश को दिखा दिए, हनुमान को दिखाई दिए। अभी गणेश हनुमान वास्तव में मूल रूप में पार्ट किसका है? पहले पहले रामकृष्ण का पार्ट है या दूसरी आत्माओं का पार्ट है? रामकृष्ण का ही पार्ट है। और बाबा ये जो दिमाग चाहता है, एक मिनट, हाँ, इस बार दशहरे में रावण के ऊपर ऐसे पर्वत जैसा बनाया था और उसके ऊपर शंकर की स्टैचू लगाया हुआ था, शंकर भगवान, उसका क्या मीनिंग है? जैसे शंकर को उसमें उठा लिया। रावण जो है वो पहाड़ को उठाए लेता है, हनुमान को भी क्या दिखाया है? पहाड़ को उठाया। हनुमान कहो या रावण कहो, ये सतो प्रधान भक्ति की बात है या तमो प्रधान भक्ति की बात है? जब तमो प्रधान भक्ति होती है तो गणेश हनुमान की पूजा होती है, और रावण को भी जलाना शुरू होता है द्वापर युग से। जब रावण बहुत दुख देता है तो उसका पुतला बना करके जलाते हैं। तो जो रावण ही पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है?
हिमालय। और भक्ति मार्ग में शास्त्रों में हिमालय राज नाम किसका है? पार्वती के बाप का नाम दिया हिमालय। माने घर कैसे? घर आला माने घर, और हिम माने बर्फ, माने उनका जो घर है शरीर रूपी वो बर्फीला शरीर है। माना मन बुद्धि चलती नहीं है, ब्रह्मा की बुद्धि चलती थी या मम्मा की चलती थी? मम्मा की बुद्धि फिर भी चलती थी बेसिक ज्ञान में, लेकिन ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जितना बोल दिया उतना ही समझा, बच्चा बुद्धि होने के कारण उससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में हिमालय कौन हुआ? उसको अच्छी तरह रावण ने उठाई लिया कि नहीं उठाई लिया? रावण ने अच्छी तरह उठाई लिया, ऊंची स्टेज दे दी। तुम ही हमारे माई बाप हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंश की आत्मा यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ था तो सूर्यवंशी अलग हो गए और दूसरे वंश की सब आत्माएं ब्रह्मा की रहवरी में पलने लगी। तो उस रावण संप्रदाय ने किसको ऊंचा कर दिया? हिमालय को ऊंचा कर दिया। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि उसके ऊपर भी कोई है। ब्रह्मा तो नीचे तबके का देवता है, ब्रह्मा से भी ऊपर की पुरी की है विष्णुपुरी, और उससे भी ऊपर की पुरी है शंकरपुरी। उसका पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कर दिया भक्ति मार्ग। और बोलो ब्रह्मचारी भी सन्यासी होते हैं, उनको पक्का सन्यासी कहेंगे। जो घर गृहस्थ बना करके सन्यास करते हैं वो कच्चे सन्यासी हैं, जैसे भीष्म पितामह, कैसे सन्यासी कहेंगे? पक्के या कच्चे है? कच्चे सन्यासी भीष्म पितामह, भीष्म पितामह पक्के सन्यासी। तो सन्यासियों में और ब्रह्मचारियों में ये अंतर है। और वानप्रस्थी, वानप्रस्थी माना पूरा ही ग्रस्त जीवन बिताए लिया, और जब इंद्रियां ठंडी होने का टाइम आया तो मजबूरी से वानप्रस्थ ले लिया। तो थर्ड क्लास सन्यासी हुए या फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हुए? थर्ड क्लास हुए। और बाबा विनाश के पीरियड में जो धर्म पितामह, हाँ तो उठाओ, हाँ विनाश के पीरियड में बाबा जो धर्म पिता अपने अपने धर्मखंड में प्रत्यक्ष होंगे जाकर के, तो विनाश हो जाने के बाद इतना दूरी से वो अपने देश में कैसे वापस आएंगे? उनको वापस आने की धर्म पिताओं को क्या जरूरत है? वो तो आते ही है परम धाम से द्वापर और कलयुग में, वो स्वर्ग में आवेंगे क्या? नहीं बाबा, जो मतलब बीज रूप है, बीज रूप आत्माएं, जो बीज रूप आत्माएं है वो बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे है या कम जन्म लेने वाले बच्चे? 84 जन्म लेने वालों को देव आत्मा कहा जाता है या आसुरी आत्मा कहा जाता है? वो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। इसलिए कोई भी विनाशी खंड में हो, चतुर्थ विश्व युद्ध जब होगा और सारी पृथ्वी बर्फ से आच्छादित होगी,
और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो बाप की ग्लानी के निमित्त बनती है, संगम युग में भी वैसी ही शूटिंग करती है। इस कारण उनको सदगुरु निंदक ठहर न पावे, भारत में उनको उस समय जगह नहीं मिलती। उन विनाशी खंडों में जाकर के सेवा करेंगी, परंतु बाप ने इसका हल बताया है। याद है किसी को? है नहीं याद है? है नहीं बताया है कि आगे चल के बाबा हेलीकॉप्टर भी लेंगे, और हेलीकॉप्टर दुनिया के हर हिस्से में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ बरपा हो जाए तो भी पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। बाबा बोलते हैं ज्यादा ठंडी से पेट्रोल भी जम जाता है। है तो मशीन किस लिए होती है? और आजकल तो केमिकल ऐसे निकले हैं जो ज्यादा ईंधन भी लगाए बगैर ज्यादा गर्मी पैदा कर देते हैं। जैसे विजय विहार में वो बम लगा हुआ है, क्या लोहे का एक बम बनाया है, उसमें पानी भर के दो लकड़ी नीचे लगाते हैं, तो पानी इतनी जोर से बॉयल होता है कि 3-4 मंजिलों तक ऊपर जाता है अपने आप। निरंगा में भी है। क्या डालते हैं उसमें? कुछ थोड़ा सा 2-4 पुड़िया केमिकल डाल देते हैं नीचे। ये कोई बात नहीं है कि बर्फ जमेगी तो पेट्रोल भी, पेट्रोल से ही सारे काम थोड़े ही होते हैं। सौर ऊर्जा से काम नहीं होते क्या? सूरज की बात बता रहे, सूरज कहाँ निकलेगा? और सूरज निकलेगा ही नहीं। अरे सूरज भी कभी खत्म होता है क्या? सूरज ही खत्म हो जाएगा तो सूर्यवंशी भी खलास हो जाएंगे, फिर दुनिया कहाँ से आएगी? नहीं बाबा, बाबा ब्रह्मा को पक्का सन्यासी बताया है? ब्रह्मा को ब्रह्मचारी मतलब पक्का सन्यासी? वो सन्यासी नहीं, उनमें तो शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनके सन्यास की बात ही नहीं है। वो अपने आप सन्यासी हुए क्या? कि उनमें है सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया तब सन्यासी हुए? अरे वो अकेले भागे थे, जब भागे थे तो किसने उनको ताकत दी? और बाबा आज की मुझे बोला कि 2000 साल के पाप कर्म 50 साल की याद में भस्म होते हैं जी। तो 50 साल 76 से पकड़े, 88 से पकड़े या 68 से? बाप की याद कब से शुरू होती है? कि 76 में 50 जोड़ेंगे तो कितने आवेंगे? अरे 2000 है, जब एक्यूरेट याद होगी तभी तो पाप भस्म होंगे। अरे सूरज जो है वो तो नीचे स्टेज में है, सूरज चांद सितारों की दुनिया में है या उससे ऊपर है? तो 5 तत्वों के अंदर ही है। जो 5 तत्वों की दुनिया है उसमें सूरज की स्टेज भी है, चांद सितारों की भी स्टेज है, लेकिन उससे भी ऊपर किसकी स्टेज है? आत्मा और परमात्मा की स्टेज है। तो आत्माएं तो उस दुनिया की वासी हैं
जहाँ ये सूरज चांद सितारों का प्रकाश प्रकाश भी नहीं पहुँचता। बाबा ब्रह्मा को नीचे तबके में दिखाया, शंकर को ऊपर के तबके में, तो हमको लक्ष्य ब्रह्मचारी बनने का क्यों दिया, शंकराचार्य बनने का क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जो है वो माँ का पार्ट है, बाप जो है तुमको मार धार नहीं करना सिखा रहे हैं। क्या लीनेंसी का पार्ट परिवार में किसका होता है, प्यार का, और बच्चों के लिए मार का पार्ट किसका होता है, बाप का। तो बाप तुमको सहज रास्ता बता रहे हैं, क्या कि सहनशीलता को धारण करेंगे तो फायदे में रहेंगे जन्म जन्मांतर। नहीं तो बड़ा कहावना अति दुख पावना। अगर जन्म जन्मांतर आत्मा की आस क्या है, क्या चाहिए आत्मा को, सुख चाहिए। हर आत्मा की आशा क्या है, सुख चाहिए। तो अगर जन्म जन्मांतर सुख ही चाहिए तो माँ का आचरण करो, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, डायरेक्शन बाप की मांग। श्रीरंगम के मंदिर में श्रीरंगम की मूर्ति है, श्रीरंगम के मंदिर में नीलंगम श्रीरंगम हाँ उसमें श्रीरंगम की मूर्ति है, एक बाजू श्री देवी है, एक बाजू भू देवी है। हाँ जी। नीचे विष्णु को बिठाया है। हाँ जी। और विष्णु के सरों पर 5 पैन वाला नाग है। हाँ। और सबसे ऊपर नीला देवी, तो नीला देवी कौन है? देवियों में आखिरी पार्ट किसका है? महाकाली। महाकाली जो विष का रंग है वो कौन कौन से प्रकार का दिखाया जाता है? हरा, नीला और काला। तो ये 3 रूप है महाकाली के, इसलिए महाकाली का रूप लास्ट में दिखाया है। श्री देवी को छोटी माँ भू देवी मन श्रेष्ठ देवी, देवियाँ तो बहुत हैं, 9 है देवियाँ मुख्य मुख्य, लेकिन उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्री श्री मन श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली, कोई दमचक्कर नहीं। भू देवी यानी जगदम्ब, और भू माने पृथ्वी, पृथ्वी देवी, और पृथ्वी में 5 तत्व समाये हुए हैं। जो 5 तत्व हैं वो कभी विकराल रूप धारण करते हैं, तामसी भी बनते हैं और कभी सात्विक बन जाते हैं, परंतु वो खुद बनते हैं, अपनी ताकत से बनते हैं या पृथ्वी की ताकत से बनते हैं, या पृथ्वी के ऊपर भी कोई और है जिसकी ताकत से बनना पड़ता है। पृथ्वी जड़ है और पृथ्वी पति चैतन्य है, 5 तत्व जड़ है, उनके संघात को प्रकृति कहा जाता है और प्रकृति का रचयिता प्रकृति पति कहा जाता है। प्रकृति पति पति है और प्रकृति पत्नी है, माता है बच्चों की। तो जो माता है वो शक्तिशाली तब बनती है जब संगम युग में बाप एड़ी से लेकर के चोटी तक की संगम युग में संग की पूरी ही रंग लगाए देता है। इतना संग का रंग लेने वाली और कोई दूसरी शक्ति नहीं होती है, इसलिए जगदम्बा का मेला बड़ा विशाल मनाते हैं। श्री देवी का भी उतना विशाल मेला नहीं होता है, तो जरूर पावरफुल बन जाती है और सारी शक्ति का विनाश करने के निमित्त बन जाती है।
माया देवी भी है, वो भी बाप के डायरेक्शन पर चलने वाली है। बाप का खास डायरेक्शन है माया देवी को, माया बेटी को। क्या बच्चे जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तुमको माया बहुत फटका देगी। ये माया को डायरेक्शन मिला हुआ है, लेकिन माया इतनी सर्वशक्तिवान बाप के समान होते हुए भी ब्राह्मण बच्चों का आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। क्या ब्राह्मण बच्चों को सबको धराशाई कर दिया या पुरुषार्थ में लगे हुए? अभी भी पुरुषार्थ में लगे हुए। माया के लिए बोला गया कि माया थक चुकी है, लेकिन बच्चे पुरुषार्थ में अभी भी थके नहीं है। बाप की ताकत मिल रही है, लेकिन मरता क्या न करता, कोई मरने लगता है, लड़ाई लड़ते लड़ते मरने लगे तो कुछ भी करेगा। तो माया ने वो काम किया जो एडवांस पार्टी जब से आरंभ हुई है, और आरंभ करने के लिए जो शक्तियां उमंग उत्साह देने वाली बनी पहले पहले, जानती है कि ये विशेष दुश्मन है, फिर भी माया ने प्रकृति के साथ हाथ मिला लिया। क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया के पांच रूप हैं। ये ब्राह्मण पुरुषार्थी बच्चों का कुछ भी नहीं अब तक बिगाड़ सके। तो माया ने क्या किया, मौका देखते ही माया से वो प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो ताकत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ताकत और ज्यादा बढ़ गई। अकेले के बाहर से काम नहीं चलता है तो घर फोड़ी कर देते हैं। क्या करते हैं, कोई का परिवार बहुत मजबूत है और उससे झगड़ा हो जाता है, हमारा काम नहीं बनता है, तो ज्यादा तीखा लड़ैया होता है तो क्या करता है, घर में फूट डाल देता है। राम ने भी क्या किया है, रावण के घर में फूट डाल दी, उसके भाई को अपनी तरफ कर लिया। तो माया भी यही चक्कर चलाती है। क्या प्रकृति पति की पत्नी को अपनी मुट्ठी में ले लेती है, हाथ मिला लेती है। कभी ऐसा होता है कलयुग की दुनिया, अभी सतयुग तो नहीं आ गया है? सतयुग आ गया है, सारी दुनिया में रावण राज्य है या राम राज्य है? रावण राज्य है। राम के भी घर में रावण राज्य होगा या राम राज्य होगा? मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? मधुबन में भी माया आती है। तो जब कहीं काम नहीं चला तो माया ने घरफोड़ी करना शुरू कर दी। और ये तो सबको ही जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा कुमारियां घर फोड़ने में बहुत उस्ताद है। तो उनकी जो मुखिया होगी वो भी तो उस्तादी का ही काम करेगी ना। तो माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, अब होने दो विनाश की लीला, कोई रोक सकेगा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाबा इनको विनाश होगा तो विनाश के बाद जो हमारे सृष्टि का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो कम हो जाएगी क्या? है गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी क्या, जो वर्तमान समय में है इससे कम होगी क्या?
पृथ्वी के अंदर ताकत भरी हुई है, अग्नि भरी हुई है, या बाहर अग्नि है? अंदर अग्नि भरी हुई है, सारी ताकत अंदर है, जो अंदर से ज्वालामुखी के कारण बाहर फटपटती है। वो तो द्वापर युग से छोटे छोटे भूकंप हुए, द्वापर के आधे में आधा विनाश हुआ, और अभी तो पूरा विनाश होना है। जो अणु जहां से साइकिल लगाना शुरू किया है, ये 2500 वर्ष 5000 वर्ष का चक्कर लगा करके फिर उसी स्थान पर पहुंचना, इसके लिए पूरी ही उथल पथल होनी जरूरी है। तो बाबा, नई दुनिया आ जाएगी तो क्या हरदम दिन ही बना रह जाएगा क्या? मैं सुना तो नहीं प्रसिद्ध। जब उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी में ऐसा स्थान है जहाँ 6 महीने दिन रह सकता है, तो आधा कल्प दिन नहीं रह सकता? ऐसे ही होगा। दिन ही दिन रहेगा, दिन अच्छा होता है खराब होता है? सुख भोगते हैं तो दिन में भोगते हैं या रात में भोगते हैं? रात में तो आत्मा सो जाती है, दिन में ही सुख भोगा जाता है। आत्मा चैतन्य है तो सुख भोगती है, जड़बत हो गई तो सुख भोगना बंद। तो 2500 वर्ष देवताएं सुखी ही सुख में रहेंगे, कोई प्रकार का दुख इंद्रियां अनुभव नहीं करेंगी। वहाँ रात होगी नहीं ठोकर खाने के लिए, वहाँ कुछ सोएगा नहीं बाबा? थकेंगे, वहाँ थकेंगे मालूम नहीं, यहाँ थकते हैं जो, यहाँ थकते हैं तो नींद भी होती है। अगर नींद आना यहाँ बंद हो जाए तो लोगों का क्या हाल होगा? सारे ही हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। बाबा आप भी रहोगे ना हमारे साथ? हाँ जी, आप भी रहोगे ना? अगर हमको देवात्माओं की लिस्ट में रखेंगे तो जरूर रहेंगे। बाबा ये जो हिमालय है, हाँ जी, हमारा पूर्वी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रतीक है। हाँ जी, पूर्वी सभ्यता का। हाँ जी, तो विनाश के बाद तो इसका ज्यादा मतलब स्वरूप बदलना नहीं चाहिए। हाँ, पेपर में बाबा आया था कि जैसे इसका अभी क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हाँ, तो ये करीब 15-20 साल में 1 ही लाख वर्ग किलोमीटर बचेगा। हाँ, तो क्या विनाश के बाद इसका स्वरूप ज्यादा मतलब ढह जाएगा क्या हिमालय? दुनिया का एक एक अणु, दुनिया की एक एक चैतन्य आत्मा अथवा जड़ अणु जहां से साइकिल लगाना शुरू किया है वहीं पहुंचेगा। तो उस दुनिया की कोई चीज नई दुनिया में रह जाएगी या सब कुछ तब्दील होना है? सब चेंज हो जाएगा। ये पहाड़ कैसे बने हैं, पहाड़ों की हिस्ट्री क्या है नहीं मालूम? क्या है? ज्वालामुखी फटते हैं और पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ लावा बाहर फूट पड़ता है, कोई लंबे समय तक फूटता रहता है और कोई थोड़े समय फूटता है। तो ज्यादा ऊंचा पहाड़ कब बनता है? लंबे समय तक जो लावा फूटता रहता है ज्वालामुखी से, वो बहुत ऊंचा पहाड़ बन जाता है। तो हिमालय कभी तो हिमालय बना कि नहीं बना? और सन्यासी 84 जन्म लेते हैं। जो 84 जन्म लेने वाले हैं, पक्के 84 जन्म या कच्चे 84 जन्म?
पक्के की नहीं कहेंगे और कच्चे की नहीं कहेंगे, पक्के उन्हें कहेंगे जिनकी यादगार में रुद्र यज्ञ रचते हैं। और रुद्र यज्ञ में कितने सालिग्राम बनाते हैं? 7 सालिग्राम बनाते हैं। वो पक्की आत्माएं हैं, इस रुद्र यज्ञ की अविनाशी आत्माएं हैं, जो अविनाशी पार्ट बजाने वाली है। संगम युग से ही उनका जीवन शुरू होता है, जब चाहे तब शरीर छोड़े और जब चाहे तब शरीर में प्रवेश करे। शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े, दूसरों में जब चाहे प्रवेश करे और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाए और घुमाने के बाद अपने शरीर में वापस आ जाए। इतनी शक्तिशाली आत्मिक स्थिति वाली आत्माएं होती हैं, पक्के 84 जन्म लेने वाली। वो विधर्मियों के तोड़ने से फुसलाने से फुसलावे में नहीं आती, अपने धर्म की पक्की होती है। तो यहां भी जो विनाश की विभीषिका है, उनके 84 जन्मों में से कम नहीं कर सकती। अगर कम कर दे तो राधा कृष्ण की कैटेगरी की हो जाएगी। मन छिलके वाली ऐसी आत्माएं हो जाएंगी जिनका छिलका विधर्मियों का छिलका बन जाता है। विरूप आत्माओं में भी सब एक जैसी नहीं है, बल 84 जन्म लेने वाली है। रामकृष्ण की आत्माएं और उनके जो संगी साथी आत्माएं होंगी वो भी 84 जन्म लेती है, परंतु वो चंद्रवंशी की पक्की है। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली आत्माओं में भी सब एक धर्म की नहीं है, कोई चंद्रवंशी की पक्की है, कोई और धर्मों की पक्की है। सूर्यवंशी तो बहुत थोड़े हैं। कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है, उस कमजोर आत्मा ने पूर्व जन्म में उसका संग किया है। जैसे कोई कन्या पति का संग करती है तो संग में अधीन होते होते अधीन होने के संस्कार बन जाते हैं। ऐसे ही है, वो हिसाब किताब बन जाता है। तो पाप का जो बोझा है वो एक ऊपर आता है, जिसको शरीर होगा उसको पाप पुण्य लगेगा, या जिसका अपना शरीर ही नहीं है उसको पाप पुण्य लगेगा। वो इविल सोल बनती ही इसीलिए है कि उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए, ऐसा न हो कि उनका पापों का बोझा बढ़ते बढ़ते जो विनाश दुनिया के विनाश की लास्ट स्टेज है वहां पहुंच जाए। इसलिए थोड़े समय तक उनको शरीर नहीं मिलता, कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करके पाप करती रहती है शरीरधारी के ऊपर। वो सुनता और ये सुनता है, पूर्व जन्म में बना उसको आमंत्रण किसने दिया कि तुम हमारे ऊपर सवार हो जाओ? यहाँ भी बाबा के बनते हैं, समाज की नजरों में धोखा देते हैं कि हम बाबा के बन गए, फिर औरों को आमंत्रण देते हैं हमारे ऊपर सवार हो जाओ, तो कौन से धर्म के बीज बनेंगे?
विधर्मियों के बीज बनेंगे, विधर्मियों के साथ हिसाब किताब जोड़ने का फाउंडेशन अभी डाल रहे हैं। ब्रह्मा के लिए ज्यादा जन्म मरण का चक्र को बताया, जबकि ब्रह्मा बाबा भी तो 84 जन्म लेते हैं, प्रजापिता और जो सूर्यवंशी आत्मा वो भी 84 जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा ज्यादा जन्म मरण के चक्र में आता है। जन्म जन्म मरण के चक्र में आने का बेहद का अर्थ है निश्चय और अनिश्चय। जो आत्मा कमजोर हो जाती है वो ज्यादा प्रभावित होती है, या जो तो पावरफुल होती है ज्यादा प्रभावित होती है, कमजोर हो जाती है। आज भारत की माताएं, कन्याएं, कुमार और आधर कुमार, इनमें सबसे जास्ती कमजोर कौन हो गया, क्यों हो गई? क्योंकि प्रभावित हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा चंद्रवंशियों से, इस्लाम वंशियों से, सारी जगत की अंबा है ना। तो पर ज्यादा जन्म मरण बताया, ज्यादा तो चौड़ा तो पूरा जवाब तो दो, लेने दो। सारे जगत की जो आत्माएं हैं दूसरे दूसरे धर्म की, उनसे प्रभावित होने वाली आत्माएं, जैसे परिवार में माताएं मोह के कारण, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसके मोह में बंध जाती है तो प्रभावित होती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल यज्ञ के आज से ही अनेकानेक धर्म के बच्चों से प्रभावित होती रही और कमजोर होती रही। अगर उस पहली माता का उद्धार हो जाए, वो प्रभाव से परे हो जाए, तो भारत की सब माताएं प्रभाव से परे हो जाएंगी या नहीं है? हो जाएंगी। इसलिए माता की आदत होती है मोह के कारण, ये बच्चे मेरे हैं, माना पति मेरा नहीं है, उतना ज्यादा असर किसका बैठा हुआ है? बच्चों का ज्यादा असर बैठा हुआ है। मेरे बच्चे बहुत कुछ करके दिखाएंगे। तो जो रचयिता है उसके ऊपर अनिश्चय बैठ गया ना, जब रचयिता बाप के ऊपर अनिश्चय बैठता है, तो उस अनिश्चय बैठने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा आगे कौन जाती है? कन्याएं, माताएं, कुमार या आधा कुमार? माताएं जाती। तो प्रभाव से प्रभावित होने के कारण आत्मा ज्यादा कमजोर बन गई। नहीं तो साधारण साधारण ज्ञान के पॉइंट, एडवांस पार्टी में सभी बच्चों की समझ में आ रहे हैं कि गीता का भगवान कौन? दादा लेखराज गीता का साकार भगवान नहीं है। साधारण साधारण समझ में आ रहा है ना, उनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? मोह का कारण है। गीता में कृष्णा के नाम डालने से मुझ भगवान को सर्वव्यापी माना गया है, तो ये गीता में कृष्णा के नाम डालने से भगवान को सर्वव्यापी मानना, ये बात आपस में कैसे मिलता है? कृष्ण आत्मा है या सुप्रीम सोल है? जब एक आत्मा ऐसी स्टेज में पहुंचेगी और ऐसे कर्म करेगी, ऐसी बातें बोलेगी, ऐसी दृष्टि पसारेगी कि मैं गीता का भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो मुझे देखा और कर्म करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे। वो पहली आत्मा है जिसके पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, और उसके पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। इस सारी मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता है, जिसको ऊंची स्टेज पर ले जाने की जिम्मेवारी उसके बाप की है।
बाबा ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है इसमें समझाया गया था कि राधे कृष्ण जो है उनके बच्चे हैं, लेकिन बाबा यहाँ जो कृष्ण के पैर टेढ़े दिखाए गए हैं। एक मुझे बताया है कि इसका जवाब दूसरा दिया है, संगम भी कृष्ण की बात है तो उसको वही हिसाब लागू होता है क्या चित्र में? संगम भी कृष्ण जो है वो जीवन में डांस करता हुआ होगा, खुशी की डांस करेगा या रोता हुआ होगा? डांस करेगा। तो डांस करते समय पांव और हाथ टेढ़े मेढ़े नहीं किए जाते हैं क्या? नहीं बाबा, समझने वाले समझेंगे, ये तो डांस हो रहा है। जो से ज्ञान डांस को नहीं समझेंगे वो उल्टा भी समझ सकते हैं। अरे संगम भी जो कुछ होगा वो सुखधाम में अपने को महसूस करेगा या दुखधाम में महसूस करेगा? सुखधाम में होगा। और पाप जो होता है उसके ऊपर जब फल आ जाती है तो उसको दिखता नहीं है। ऐसा आत्माओं की कई स्टेजेस होती है, जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस होती है, वो जरा स्पष्टीकरण दीजिए। कंचन काया बनने वाली जो बात है वो सर्प का मिसाल दिया हुआ है कि सर्प अपने जीवन में तीन चार बार खल त्याग करता है, और जब जब खल त्याग करता है तो आखिरी वो अंधा हो जाता है। ये बात चार बार की शूटिंग से कनेक्टेड है क्या? जो भी आत्माएं ज्ञान में आती है वो कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? पहले सतोप्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और तमो। तो कृष्ण वाली आत्मा भी पहले तो कंचन काया किसकी बनी है? किसकी बनेगी? संगम भी कृष्ण की। तो जो संगम भी कृष्ण है वो अपने को पहले सतो प्रधान बना देगा या बच्चों को पहले सतो प्रधान बनाएगा? है खुद बनेगा। बाप पहले आग में से, परिवार में जो आग लगी, घर में आग लगी है उसमें से निकल के भाग जाएगा कि पहले बच्चों को निकालेगा? पहले तो बच्चों को निकालेगा। बच्चों में मुख्य बच्चा है कृष्ण। तो कृष्ण वाली आत्मा हो पहला पत्ता हो या इस सृष्टि का लास्ट पत्ता हो, जो जिस्मानी बाप है इस मनुष्य सृष्टि का वो तो सबका बाप है कि पहले पत्ते का ही बाप है? सबका बाप है। इसलिए जब तक इस सृष्टि का आखिरी पत्ता भी पवित्र आत्मा नहीं बन जाता है तब तक वो नीचे की दुनिया में रहेगा, पतित दुनिया में बच्चों के साथ पाठ बजाएगा या पावन बन करके ऊपर चला जाएगा, पतित दुनिया में ही पाठ बजाएगा। इसलिए उस आत्मा का ये पार्ट है जो बच्चों का भी पार्ट है, बाप समान बच्चों का, क्या कि जब शूटिंग पीरियड होता है तो उस शूटिंग पीरियड में जानते हुए भी मानते हुए भी फिर भी क्या अंतर पड़ता है कि बाप जो है सुप्रीम सोल बाप बार बार कहता है, क्या कहता है? अमृत छोड़ विष काये को खाए। इससे एक बच्चे से ही कहता है या और भी बच्चे हैं जिनके लिए मना किया हुआ है कि शंकर को फॉलो नहीं करो? अगर शंकर को फॉलो करेंगे
तो क्या होगा? नीचे जाएंगे, नीचे गिरेंगे। एक को छोड़ दिया जिसको ऊंचे तबके में बैठाया हुआ है, क्योंकि उस एक में तो क्या विशेषता है, सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, वो सारी जिम्मेवारी उसकी है। तो एक अंधा हो जाए या अंधा करके सारी दुनिया को दिखाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं कि काम विकार में अंधा हो गया। अंधा होकर दिखाता है या अंधा है? मुरली में बोला है बाप विदेशी बनकर के आए हैं, विदेशी बनकर के आए हैं या विदेशी हैं भी बिचारी? बाप विदेशी विचारी नहीं है, लेकिन बच्चों से मिलना है सबसे, नंबरवार बच्चे मिलेंगे ये जरूरी है। अगर नहीं मिलेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अनेकों का संग का रंग लगा है तो पतित विचारी बने, ऐसे ही नंबरवार एक का संग का रंग लगेगा तो पावन बनेंगे। इसलिए ये ड्रामाबाजी है क्या, कि बाप है तो पुरुषोत्तम राम वाली आत्मा है, गायन भी है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेकिन बुद्धि योग से एकाग्र है, शरीर से उसको वो पार्ट बजाना ही बजाना है अंत तक। इसलिए संगम युग में प्रैक्टिकल पार्ट जो है पुरुषोत्तम का सीता वाली आत्मा बजाती है। अभी प्रैक्टिकल में बजा रही है या नहीं बजा रही है? बजा रही है, और उसका गायन त्रेता युग का होगा, क्योंकि वो आत्मा जब त्रेता में जन्म लेते लेते पहुंचेगी तो पहले जन्म में पुरुष बनेगी। तो भक्ति मार्ग में जो नाम दिया हुआ है राम, त्रेता में पुरुषोत्तम थे, वास्तव में पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा त्रेता में होगी या सतयुग के आदि में होगी? तो सतयुग के आदि में होती है। तो ये ड्रामा बना हुआ है कि जो भी सांप के मिसल पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, एक सांप ही ऐसा प्राणी होता है जो विषय वैतरणी नदी हो और तेज धार भी बह रही हो तो वो उस तेज धार को क्रॉस करके ऊपर चढ़ता है। और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो उस विषय वैतरणी की तेज धार में नदी को क्रॉस कर सके। माया मगरमच्छ को भी बाबा बताए थे एक बार आप, क्या माया मगरमच्छ भी पानी में टेढ़ा चलता है? हाँ, और सांप को बताया था। हाँ, ये दोनों धारा में उल्टा चलते हैं। हाँ जी, तो ये माया मगरमच्छ भी तो है बाबा ना? बाप का पार्ट बताया है अरभंगा। कैसा पार्ट है? अरभंगा पार्ट है। और माया भी अड़भंगी है या नहीं है? वो भी अड़भंगी है, समझ में नहीं आता बच्चों को। और महाकाली भी अड़भंगी पाठ बजाने वाली है, सब कोई समझ नहीं सकता कि महाकाली जो पाठ बजाती है उसका बुद्धि योग, जिसके साथ पाठ बजाती है अटैचमेंट में आता है या नहीं आता है? आता है नहीं, जिसके साथ नहीं वो तो नहीं आएगा। जैसे शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, वैसे ही महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। अभी उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा कौन है महाकाल और महाकाली के अंदर? कृष्ण की आत्मा है, उससे उत्तम कोई आत्मा और है ब्राह्मणों की दुनिया में जिसने श्रेष्ठ पाठ बजाया हो? तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा वो बीज रूप आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आकर के
निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का पार्ट बजाती है। और शिव बाबा डायरेक्टर बन करके चला रहा है, देख रहा है। इसलिए विष्णु चतुर्भुज में एक भुजा ऐसी भी है जो कमल फूल के समान पार्ट बजाने वाली है। वो कमल फूल के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा ओम राधे मम्मा की होगी या लक्ष्मी की होगी या ब्रह्मा की होगी या जगदम्बा की होगी। जगदम्बा ये है जो कमल फूल समान पार्ट बजाने वालों में अव्वल नंबर, क्योंकि ऐसा पार्ट बजाने वालों का जो सरताज है उसने उसका सबसे जास्ती संग का रंग लिया है। किसने प्रश्न किया था? सांप शरीर छोड़ते समय, घर छोड़ते समय अंधा क्यों हो जाता है? समझ में आ गया? अभी शूटिंग चल रही है, शूटिंग पीरियड में जो भी दुनिया की बड़े से बड़ी विषैली आत्माएं हैं, सबसे जास्ती विष कौन से प्राणी में होता है? सांप में। तो वो बीज रूप आत्माएं इस समय ऐसा पार्ट बजाती है शूटिंग पीरियड में, पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान पार्ट बजाती है। तो कोई क्रोधांध होते हैं, कोई लोभांध होते हैं, कोई मोहांध होते हैं और कोई कामांध होते हैं। तो काम विकार में जब अंधे होने का पार्ट बजाएंगे तो अति में पहुंचने के बाद फिर अंत होगा या नहीं होगा? अंत होगा। और बाबा ने मुरली में बताया है कि जिसने बाप को पहचाना उसके मन में एक भी प्रश्न नहीं आएगा बाप को पूछने के लिए। फिर दूसरी बार ऐसे भी बताया यदि बच्चों को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछने चाहिए, नहीं तो मन में मूंझते रहेंगे। इसका मतलब क्या बाबा? जो मतलब क्यों नहीं समझ में आया? पूछना है नहीं पूछना उनको? कोई ओरिजिनल है कोई ओरिजिनल नहीं है, कोई से प्रभावित है तो पूछना नहीं चाहिए? अंदर कचरा रखना चाहिए क्या? तो फिर इसका मतलब तो ये हो रहा है जिसने बाप को नहीं पहचाना वही प्रश्न करते आपसे। जिसने बाप को पहचान लिया वो क्यों प्रश्न करेगा? अरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। बाप के साथ समान रूप में संस्कार मिले या नहीं मिले? बाप समान पुरुषार्थी बने या नहीं बने? नहीं बने, तभी तो पूछते। कोई नहीं बना। अगर बाप ये मतलब नहीं है कोई बना है कि नहीं बना, वो तो जब नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे तो जिनके जिनके नंबर डिक्लेयर होते जाएंगे और जो उस सीट पर सेट हो जाएंगे, पहले नंबर डिक्लेयर होता है या पहले सीट पर सेट होते हैं? पहले नंबर डिक्लेयर हो फिर अपनी सीट पर सेट हो जाए, सेट हो जाने के बाद बाप समान स्टेज होगी। बाप समान स्टेज होगी तो स्वभाव संस्कार सब बाप समान होंगे, संकल्प भी बाप समान होंगे। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग में बूंद सागर में मिल गई, समा गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। एक भी संकल्प विरोधी नहीं चलेगा। इसमें विरोधी संकल्प की तरह हमको अब प्रश्न कहाँ से पैदा होता है? बाहर की दुनिया में तो बाहर की दुनिया में क्यों है? अंदर की दुनिया में बाप की याद में बुद्धि रखो ना। किसने मना किया? बाबा कोई चीज जानने की जिज्ञासा तो भी तो होता है। जिज्ञासा है माना पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है ना और आत्माओं के साथ नहीं, जो संकल्प वाइब्रेशन टच कर रहा है। अगर बाप का वाइब्रेशन हो मन मनावा हो जाए आत्मा तो विरोधी संकल्प अंदर आएगा नहीं आएगा? मना नहीं करते बाबा। बाबा कहते हैं अगर कोई भी अंदर कचरा आता है
तो क्या करो, निकाल दो। अगर वो कचरा प्रैक्टिकल कर्म में आ जाता है तो लिख करके दे दो, तो आधा माफ हो जाएगा। और कोई नहीं पूछेगा, एक मिनट, कोई आर्टिफिशियल पार्ट बजाए, अंदर से जानता है कचरा हमारे अंदर आ रहा है और बाहर से बिल्कुल ना पूछे, दिखाए हम बड़े अच्छे देवता हैं। वो कितने दिन तक चलेगा? ये मधुबन तो है शीशे का महल, इसमें एक एक आत्मा शीशा है। ये जो मकान वो शीशा नहीं है, जो मधुबन का संगठन है, जो चैतन्य ईंटे हैं, वो शीशे के मुआफिक है। हर आत्मा यहाँ शीशे के मुआफिक पार्ट बजाए रही है, ज्ञान दर्पण की तरह शीशा है। एक शीशे के सामने अपने को छुपा लिया, दूसरे के सामने छिपा लिया, अच्छा बहुतों के सामने छिपा लिया, कोई तो दिल का मीत होगा। होगा या नहीं होगा? होगा तो सबके सामने छिपाए रखेंगे क्या? क्या सागर का पाठ हो गया? सागर एक है और बाकी सब है नदियां और पोखरे। सदैव अंदर नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल असली चेहरा बाहर आवे, नकली सूरत छुपी रहे, कितना भी छुपाने की कोशिश करे, ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी कि मुख से निकल पड़ेगा, नहीं तो भूत प्रेत आत्मा प्रवेश करके निकाल देगा। इसलिए मुरली में बोला है, इस ब्राह्मण परिवार में कोई का भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्या परमात्मा मिलना जब आत्मा ही परमात्मा मिल जाएंगे तो कहाँ छुप करेंगे? तो मिल जाए ना, संकल्प एक हो जाए ना, जब मिल जाने का मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, फिर विरोधाभास कहाँ से आएगा? विपरीत संकल्प प्रश्न कहाँ से पैदा होगा? और तो छुपाने की बात नहीं है, अगर छुपाने की बात होती छुपाने से काम चल जाए तो बाबा क्यों कहते हैं कि प्रश्न अंदर आता है तो जरूर पूछो, कल क्लियर क्यों हो, आज ही क्लियर कर लो। और पहले की बात है, ज्ञान लेने के पहले जीवन में कल कुछ होना है और अंतरात्मा से कुछ ऐसा हमारा इशारा आता है ये बात नहीं करना ज्ञान में आने से पहले। हाँ हाँ, जैसे परमात्मा बताते हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है, जो आत्मा को ऐसा इशारा आता है कि ऐसा नहीं करना है, ये उसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि बाप के संकल्पों से आत्मा के संकल्प समान सरणी में चल रहे हैं, माना उस आत्मा का बीच बीच में कहीं न कहीं गहरा संपर्क परमात्मा बाप के पास से रहा है, तब ही समान संकल्प आते हैं। एडवांस पार्टी में ऐसे बहुत से बच्चे हैं, जब बेसिक ज्ञान में चलते थे तो उनके अंदर वही वही प्रश्न आते थे जिनका हल एडवांस ज्ञान में हो रहा है, लेकिन मुख से निकाल नहीं पाते थे क्योंकि उनका पार्ट नहीं है। इससे क्या साबित होता है कि पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है या नहीं है? पूर्वजन्मों का हिसाब किताब सुप्रीम सोल बाप के साथ नहीं है, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके साथ पूर्वजन्मों का हिसाब किताब है।
विचार सरणी मिलती रही है, इसलिए ऐसे संकल्प आते रहे। समझ लास्ट आत्मा परमधाम से उतरेगी तो उसको समझने तक का जो टाइम है तो उतना बड़ा शरीर तो होना चाहिए उसका। शरीर से कोई कनेक्शन थोड़े ही है आत्मा के सोच विचार का। जैसे आप सीढ़ी में आई अंत समय में लास्ट आत्मा आई तो समझेगी तो दुनिया में ये हो रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे एडवांस पार्टी में बम्बई में ही ऐसे बच्चे हुए हैं शरीर में इतने क्या कुर्सी पे बैठा दो तो देखने में कितने आएंगे इतने, और बुद्धि उनकी बड़ी चौड़ी उनसे अच्छा खासा एडवांस का भांति जो है वो बात भी नहीं कर सकता। तो शरीर से मतलब नहीं है, कैसे मतलब है बुद्धि से मतलब। शरीर तो पूर्वजन्मों के हिसाब किताब के कारण भले लुंजम पुंजम छोटा शरीर मिल गया वो शरीर छूट जाएगा तो सालिम शरीर मिलेगा। वही मेरे कहने का मतलब कि ड्रामा के राज तो आगे होगी तो समझेगी, लास्ट आत्मा भी तो समझेगी। क्या समझेगी? यही समझेगी कि दुनिया में जो हो रहा है इससे अच्छा तो परम धाम में पड़ी रहेगी तो अच्छा रहता है। नहीं वो तो आत्माएं वो समझेंगी जो परम धाम में लंबे समय तक पड़ी रहती है। उन्हीं बात कर रहा हूँ। हाँ, लंबे समय तक जो पड़ी रहती है उनके अंदर ये संकल्प पक्का होता रहता है हमें नहीं चाहिए। क्यों? तो जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तो कहता है झंझट ही छूटे, लेकिन जब समझ में आता है तो कहता है नहीं झंझट छूटे नहीं, झंझट छूट जाता है ना। जब आदमी को बहुत दुख मिलता है शरीर में बहुत तकलीफ होती है तो सोचता है प्राण छूट जाए, लेकिन खुदा न खास्ता प्राण न छूटे और वो ठीक हो जाए तो बाद में इच्छा पैदा होती कि नहीं होती है ना। ऐसे ही है।